आज हम आपको दिखाएंगे कि भाई सरकारी पैसों का दुरुपयोग कैसे होता है। आपको अगर इसका उदाहरण देखना हो तो एक बार पलामू आइए, यहां का लंबित सरकारी बस स्टैंड देखिए। लोगों की उम्मीदों की तरह इसका निर्माण भी बिल्कुल अधूरा है, जैसे लोगों की उम्मीदें यहां पर अधूरी हैं। लाखों खर्च हुए लेकिन यह निर्माण राजनीति की भेंट चढ़ गया। मेदिनीनगर बस स्टैंड की बदहाली आपको हम दिखाते हैं कि कैसे लाखों लाख रुपए खर्च हुए लेकिन आज भी ये बस स्टैंड अधूरा है, आज भी लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जनता के पैसे की बर्बादी, सरकारी पैसों का बंदरबान, अधूरा है मेदिनीनगर बस स्टैंड का निर्माण। एक दशक से है निर्माण पूरा होने का इंतजार, अब तो इंतजार में आंखें भी पथरा रही। जी हां, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है उसका ताजा उदाहरण है मेदिनीनगर शहर के बैरिया में। एक दशक पूर्व बनाए बस स्टैंड का निर्माण आज तक नहीं होना। निर्माण कार्य में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं मगर आज तक बस स्टैंड धरातल पर नहीं आया, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में मेदिनीनगर के बस स्टैंड में राज्य के सभी जिलों से बसें आती हैं, काफी भीड़ भाड़ रहती है मगर फिर भी बैरिया का बस स्टैंड अभी तक अधूरा है। इस बात से शहरवासियों में नाराजगी है। तो कम हो गया आपका 10 वर्ष से बेसी हो गया इस काम को लगे हुए, कहिए कि बीच में काम लगा और चौताल वगैरह देख रहे हैं आप लोग, ये बन गया फिर इसमें जो है से दोबारा सफाई के लिए काम लगा फिर जो है बंद हो गया। इसको आज से है, सरकार का पैसा मामूली बर्बाद है, इसमें सब बर्बाद हुआ है। लेकिन कोई आबाद करने के लिए रहे तब ना, अब तो ये जा देखिए वहाँ जगह है बस स्टैंड वहाँ है रखने के लिए, लेकिन आदमी तब वो जाके जनता रख ले है। आपको बता दें कि झारखंड की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और डाल्टनगंज के विधायक रह चुके इंदर सिंह नामधारी द्वारा नए बस स्टैंड निर्माण की आधारशिला 2005 में रखी गई थी। 2005-06 की यह योजना थी जो नगर विकास विभाग से करोड़ों रुपए में बनकर तैयार होती, मगर 35 से 40 लाख रुपए खर्च कर स्टैंड निर्माण कार्य के नाम पर खर्च की जा चुकी। प्लेटफॉर्म और यात्री शेड निर्माण को लेकर पिलर खड़े हो गए मगर आज तक बस स्टैंड निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया। बीच में व्यवसायियों ने विरोध किया, यही कारण है कि मामला अधर में है। आज बस स्टैंड निर्माण होता तो बिहार से आने वाले सभी वाहनों का परिचालन बैरिया बस स्टैंड से होता। शहर के वर्तमान बस स्टैंड में भीड़ कम लगती मगर किसी जनप्रतिनिधि ने गंभीरता नहीं दिखाई। पिछले दो बार से भाजपा के विधायक रहे आलोक चौरसिया ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। मजाक बन के रह चुका है यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ का आप देखिए बाईपास, सिर्फ लुभावना दिया जाता है कि बाईपास बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखिए कि हमेशा जिस तरह से बाउंड्री तोड़ा जाता है, बाउंड्री को जोड़ा जाता है, पैसा का डायरेक्ट दुरुपयोग होता है यहाँ पे। ये एकदम मजाक बन गया है यहाँ का प्रशासनिक तौर पे भी कोई सिर्फ बयानबाजी आता है कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इधर पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केन त्रिपाठी ने भी कहा है कि बैरिया बस स्टैंड निर्माण को लेकर कोई गंभीर नहीं है, पिछली सरकार में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वर्तमान जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं। केन त्रिपाठी ने ये भी कहा कि आज मेदिनीनगर शहर काफी बड़ा क्षेत्रफल हो गया है, कई राज्यों से बसें आती हैं, यही कारण है कि अब अलग अलग इलाकों के बसों के लिए बस स्टैंड होना बेहद जरूरी है। सरकार से जल्द निर्माण कराने की मांग की भी बात कही। लेकिन बाद में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रघुवर दास जी की सरकार, इसने सारा घोर मट्ठा कर दिया और शहर की जो विशेष अभियान था उसको समाप्त कर दिया। जो सुंदरीकरण का जो एक सबको सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित करने का उसको समाप्त कर दिया। अब बस स्टैंड एक बस स्टैंड से काम नहीं चलेगा। सवाल है कि बस स्टैंड निर्माण कार्य अधूरा होने के पीछे कारण जो भी रहा हो मगर योजनाएं लेने से पहले प्रशासन और सरकार को भी स्थल का चयन पूरी तरह से ठोक बजाकर करनी चाहिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं अधूरी न रह जाए और जनता की गाढ़ी कमाई बेकार न चली जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक मेदिनीनगर शहरवासियों को एक अच्छा बस स्टैंड मिल पाता है। नीलकमल, न्यूज 11 भारत, पलामू। और पलामू से सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, बस स्टैंड का यह हाल देख पलामू के लोग तो अंदर ही अंदर दुखी होते होंगे
और सरकारी पैसों का ऐसा बंदरबांट देखकर बस मन से निकलता है उफ। जी बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जो बस स्टैंड का अधूरा निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं पैसे की बंदर बांट की गई है। आज से 10 साल पहले यह बस स्टैंड का निर्माण हो रहा था, मगर जमीन विवाद को लेकर यह निर्माण कार्य अधूरा रह गया। तो सवाल है कि आखिर जब जमीन विवाद का रहता है या फिर उसमें कोई परेशानियां होती है, ऐसे में ऐसी योजनाओं को नहीं लेना चाहिए, उसमें पैसे खर्च नहीं की जानी चाहिए। और आज करीब 40 से 45 लाख रुपए इस बस स्टैंड के निर्माण में खर्च किए जा चुके हैं और आज इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। जी आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है, यही कारण है कि आज तक यह निर्माण कार्य अधूरा है। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो विधायक हैं डाल्टनगंज के, आलोक चौरसिया, ये दूसरी बार यहाँ के विधायक हैं और इन्हें भी इस अधूरे निर्माण के प्रति गंभीर होना चाहिए था। लोगों की ये जन सरोकार से जुड़ी और लोगों की सुविधाएं से जुड़ी यह योजना है, खास करके जब बस स्टैंड का निर्माण हो जाता तो लोगों को इसका काफ़ी फायदा। चलिए बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ बातचीत की। तो पैसों का बंदरबांट, सरकारी पैसों का जो बंदरबांट है उसका ये उदाहरण एक नज़र आता है कि हाँ भाई सरकारी पैसों का ऐसा बंदरबांट हुआ है और ये दुख देता है हमें। हमें दुख होता है कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम की तरफ से हमें मदद मिलेगी, पर हमें मिलता क्या है, हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। एक बस स्टैंड विकास का एक द्योतक होता है कि हाँ भाई विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है ये दिखाता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तो बड़ा दुख होता है।